रीवा में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कल रात्रि 11 बजे चला चाकू, एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। रीवा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रकाश चौराहा स्थित गांधी कॉम्प्लेक्स में पुरानी रंजिश को लेकर 10 की संख्या में आए बदमाशों ने 4 लोगों पर हमला कर आयुष गुप्ता निवासी गुड़ाही बाजार को घायल कर दिया। उनके ऊपर चाकू से तकरीबन 5 बार वार किया गया, साथ ही उनके हाथ की नस भी काटकर बुरी तरह से घायल कर दिया गया। बताया गया है कि आरोपियों में अयूब खान, टिंकू खान दोनों निवासी अमहिया, साथ में आए अन्य साथी भी थे जिन्होंने हवाई फायर किया। इस संबंध में पुलिस द्वारा पीड़ित का बयान दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रस्तुत है एडिशनल SP श्री शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के कुछ अंश। और रात में करीब 11:30-12 बजे के आसपास धोबी टंकी के आसपास से 4 लड़के 2 मोटरसाइकिल से आ रहे थे। उसी समय 3 लड़के और थे दूसरे, उन दोनों में आपस में कुछ विवाद हुआ, वाद विवाद हुआ, उस पर से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकुओं से हमला कर दिया, इस कारण से उसको चोट लगी है और वो अभी अस्पताल में है और इलाज चल रहा है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। 3 आरोपियों में से 1 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, 2 आरोपियों की तलाश जारी है। 4 लोग रहे हाँ।